मायावती कॉलेज की मैम, प्रिंसिपल मैम दिव्या नाथ जी को और धीरज जी को और तमाम जो स्टाफ है, इंडिया टीचर्स स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और प्यारी प्यारी छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स, इन्होंने मतलब मुझे ये फील ही नहीं होने दिया कि एनसीसी में, मैं तो सोचती थी कि ये दिल्ली पुलिस या आर्मी वाले बच्चे हैं, इतना अनुशासन का उन्होंने परिचय दिया। तो मैं इनके टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे से इन सभी को ट्रेन किया हुआ है। और स्पेशली मुबारकबाद मैं आज की जो ऑलराउंड रही है निक्की भाटी बेटा, आप और बहुत अच्छा कर सकते हो, बस थोड़ा सा फोकस करो और एक एम बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत ग्लैड थी बच्चे। और प्यारे बच्चों, मैं तो देखो इतना ही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि जिस तरह से आप आसपास के गांवों से निकले, मैं भी एक छोटे से गांव से निकली हुई हूँ। आप लोगों के लिए कम से कम इतनी सुविधाएं तो हैं, कहीं भी आप आ जा सकते हो, लेकिन मैंने अब से 22 साल पहले जिस टाइम रेसलिंग शुरू की थी तो मैं सगल्लापुर से और पटवारी के बाहर तक पैदल आती थी। उसके बाद मैं यहाँ से एक मिनी बस चलती थी और गणेश जी बोलते थे, वो शायद देखा आप लोगों ने नहीं, उसमें बैठ के गाजियाबाद तक जाती और उसके बाद ट्रेन पकड़ती, 1:05 पे ट्रेन चलती थी नई दिल्ली के लिए। वहाँ तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पे उतरती और वहाँ से 2.5 किलोमीटर IGI स्टेडियम पड़ता था, वहाँ तक पैदल जाती थी। पैसे मिलते थे 10 रुपए और वो बचाने भी थे और खर्च भी करने थे, तो वो मैं अपना देख लेती थी, मैनेज कर लेती थी। और आज आप जैसे में से ही निकल के मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ, तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। कई लड़कियों को मैंने देखा बहुत अच्छा है, लेकिन और बहुत अच्छा कर सकती है, बस मेरी एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे बच्चे आजकल नाइट में अमूमन कितने बजे तक सोते हैं बताइए, आप ही बताइए। 11-12 बजे सोते हैं ना, तो मेरे कहने से 10 से 11 सो जाइए, लेकिन जो पढ़ता है वो पढ़ सकता है। मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ भाई, और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए। मैं ये बताती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको अगर आगे बढ़ने से तो रोक ले। मेरा आज भी 22 साल का कैरियर, 23 साल का कैरियर हो चुका है, मैं आज भी मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 2001 में होगी थी, उसके बाद भी मैं IGI स्टेडियम में ही मैंने प्रैक्टिस की और मॉर्निंग में करीब 3:30 बजे उठती, 4:30 बजे यहाँ से निकल जाती और सही मेरी 5:30 बजे IGI स्टेडियम में क्लास होती थी। बाइक से जाती थी मैं 2001 के बाद, और 2005 तक मैं बाइक से चली, फिर इंडिया कैंप में मेरा नाम आ गया तो उधर ही प्रैक्टिस चलती रही, उधर ही मैं करती रही, और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर मैंने कई बार अच्छे मेडल, गोल्ड मेडल भी दिया, रिसेंटली आप सभी को बता दिए। दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी मुझे यही काम दिया गवर्नमेंट ने, खेलते रहो आप, और अब आप जैसे बच्चों को मैं खिला भी रही हूँ, वहां भी खिला रही हूँ, यहाँ भी। और आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, अभी जो जो लड़कियां जानती है उनके लिए अपने ग्राउंड में बिल्कुल इंटरनेशनल सुविधाओं से सुसज्जित एक इंडोर हॉल का निर्माण हो चुका है, और मैं फैंस मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसलिंग और आर्म्स रेसलिंग जो भी लड़की करना चाहती है वो प्लीज वहां आए और अपने कैरियर को सुधारे भाई।
नहीं सुन क्या आपको तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई एक अपना एम गोल जरूर बनाए कि वो मुझे करना क्या, आधे आधे बच्चों को ये नहीं पता करना क्या है मुझे, भाई एम जरूर बनाइए। अगर आप एम बनाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले उस एम तक जाने के लिए। मैंने अब से 22 साल पहले एक सपना देखा था कि मेरा बाहर से भी मेडल हो, इंडिया में तो आगे बाहर से नहीं आया, वो भी सपना मेरा पूरा हुआ। और एक अब से नहीं, बहुत दिन पहले से माइंड में थी कि मेरे पास एक इंडोर हॉल ऐसा होना चाहिए जो आसपास में है ही नहीं। और आईजी स्टेडियम जो सरकारी था उसमें था, उससे भी बेहतर यहाँ मैंने इंडोर स्टेडियम बनाया है। भाई अब मंदिर आपके सामने, अब मैं देखती हूँ कितने लोग उसे आते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी टीचर्स स्टाफ का, पूरे विद्यालय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका प्राप्त किया और प्यारे बच्चों से इतने अच्छे से रूबरू कराया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बेटा एक बार जोरदार तालियों से उन शब्दों के लिए। और वाकई मैंने एक संदेश दिया है हम सभी को, ये जिंदगी जिद है, कोई जुगाड़ नहीं और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और दूसरी बात मैं आप सभी से कहूंगा, जो शब्दों में जो माटी की खुशबू थी वो बता रही थी कि ये छोरी कतई ना रही होगी छोरों से कम, और तभी शायद भाव अपने अतीत से होते हैं तो भाषाई कटौती उनके आगे सूक्ष्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ऐसी वाणी को हम सभी नमन करते हैं। ये वो शख्सियत है जो कि अपने आचरण से दुनिया को वो संदेश देते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। वाह वाह, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। बेटा एक बार जोरदार ताली से खामोश क्यों हो जाते हो? लाइव नहीं कर रहा। जोरदार तालियां बेटा एक बार और। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी क्रम में मैं क्रीड़ा सचिव धीरज सर से निवेदन करूंगा कि प्राचार्य मैम को भी एक मोमेंट प्रदान करने स्कूल पेश करें। डॉक्टर धीरज सर बेटा एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सर कहीं ना जाएं आप। बेटा इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, और मैं ये कहूं कि जब तक वो धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेंगे तब तक ये कार्यक्रम अपनी उस परिणति तक नहीं पहुंचेगा जिस कसौटी को लेके हम लोग पहले दिन चले थे। और मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं तो दो पंक्तियां जरूर कहूंगा यदि आप एक बार मुझे अनुमोदित करें तो। धीरज सर को सुनना सदैव एक आकर्षण का केंद्र होता है। ये शेर नहीं था, सिंपल कथन था, पर आप आनंद ले रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। तो सर को जब भी हम सुनते हैं, पूरे वर्ष का एक अंतराल जाता है पुनः सुनने के लिए, तो एक शेर के माध्यम से मंच पे आमंत्रित करूंगा कि एक रात वो गया था जहां बात रोक कर,
एक रात वो गया था जहां बात रोककर, हम वहीं पे रुके हैं उस रात को रोककर। प्लीज सर सीधे सर मंच पे आए और इस कार्यक्रम को अपने धन्यवाद ज्ञापन से अंतिम पड़ाव तक पहुंचाएं। क्रीड़ा विभाग के प्रभारी डॉक्टर धीरज कुमार सर, प्लीज सर जोरदार तालियों से एक बार। सभी को मेरा नमस्कार। निगाहों में मंजिल थी, थोड़ा साथ देना भी मेरा है ना। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों से जलते रहे। मेरा मकसद ये है कि आप थोड़ी सी एनर्जी फील करें। सबसे पहले मैं प्राचार्य मैम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिसके सफल 23वीं वार्षिक क्रीड़ा समारोह के सफल आयोजन के लिए मैम का पूरा सहयोग रहा। किसी भी काम के लिए, क्योंकि बहुत सारी कमेटियाँ आए और बहुत सारा तामझाम हमें जोड़ना पड़ता है एनुअल स्पोर्ट्स पर, हर काम में सपोर्ट रहा। साथ साथ आज की समापन समारोह की मुख्य अतिथि बबीता नागर और राजेश नागर जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा मतलब निमंत्रण स्वीकार किया। सेकंड प्राध्यापकों का पूरी लगनता के साथ तन और मन, देखिए इस कॉलेज में बहुत सारा काम है, कहीं क्राइटेरिया है, कहीं एबिकस है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज हमने फील करी, लेकिन उस वहां से समय निकाल के यहाँ ग्राउंड में भी पूरा टाइम दिया, चाहे आपका ट्रैक निर्माण का हो या कुछ भी। तीसरे नंबर पर कार्यालय की पूरी उपलब्धि रही। क्योंकि उनके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था, क्यों कि विक्टरी स्टैंड जेवलिन पोनी की देन है जो आज हमने कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। 1,00,000 रुपए की ग्रांट आई थी, अभी उसका आधा सामान आया, आधा सामान अभी रुका हुआ आना बाकी है। तो और उन छात्राओं का जिन्होंने अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया। इस महाविद्यालय में पहली बार 4 इंटर कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी टीम में पार्टिसिपेट किया, कबड्डी, योगा, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। तो ये आवाज आनी चाहिए, नहीं तो मैं कुछ सोचने से कहाँ मिलते हैं, मुझे लगे कि आवाज पहुंच रही है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। Thank you.
चलो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैम बच्चों की भी रिक्वेस्ट है और साथ साथ में प्राध्यापक साथियों की भी रिक्वेस्ट है और हमारी तो रिक्वेस्ट है ही कि मंडे का आप हमें रेस्ट दे दे तो कल तो मैम वैसे ऑफिशियली मतलब छुट्टी है तो मंडे का अगर मिल जाए तो थोड़ा अगले वर्किंग डे का उपाय छुट्टी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर बताऊं भाषा की कई कसौटियां आपने सुनी होंगी पर ये जो माटी की कसौटी है इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं और सच कहूं तो खिलाड़ी ऐसा बोलता हुआ ही अच्छा लगता है। यदि वो ऐसा नहीं बोलता है तो वो खिलाड़ी शायद होगा ही नहीं। इसी क्रम में मैं